नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए, आज पूरे देश भर में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पे भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत किए हैं और वहां से कार्यक्रम को संबोधन करते हुए भी नजर आए। अब इस दरमियान एक छत्तीसगढ़ के भाजपा कार्यकर्ता ने किसानों से संबंधित प्रश्न किया, जो हमेशा विपक्ष उठाते हुए आती है कि किसानों की समस्या, बेरोजगारी समस्या, भ्रष्टाचार समस्या, लेकिन किसानों की समस्या को लेकर जब भाजपा कार्यकर्ता ने प्रश्न किया तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको सुनवाते हैं। मैं दक्षिण बस्तर के उन आदिवासी भाइयों के विषय में, वहां के अन्य समाज के विषय, समाज के जो किसान हैं उनके विषय में कहना चाहता हूं। उनके पास उपजाऊ जमीन होने के बावजूद आज वो पिछड़े हैं। तो मेरा सवाल है आज पूरे भारत देश के किसानों की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी, किसानों के हित में एक अप्रोच कांग्रेस की सरकार में रही और एक अप्रोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम देख रहे हैं। इस अंतर को हम सामान्य जनों को, आम जनों को कैसे बता सकते हैं और उन्हें कैसे समझा सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों का विषय लिया, अच्छा किया, क्योंकि मैं कब से बात कर रहा था, शायद ये विषय छूट जाता अगर आप न पूछते तो। देखिए, आज जरा पहले का अनुभव याद कीजिए, किसानों के साथ क्या होता था। कांग्रेस की सरकारों के दौरान सूखा पड़ता था तो परेशानी किसान की होती थी, बाढ़ आती थी तो किसान के सूद लेने वाला कोई नहीं होता था, किसान के नाम पर मदद को बिचौलिए खा जाते थे। कांग्रेस की एक ही नीति थी, पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो, ये उनका तरीका रहता था। आपने 10 साल में, कांग्रेस ने कुछ हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया, लेकिन असली किसानों ने को ये लाभ कभी पहुंचा ही नहीं। आप जाकर के देख लेना, इतनी सारी, कभी कभी तो 10 दिन में करेंगे, 100 दिन में करेंगे, कभी नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर जो छोटे किसान होते हैं उनका तो बैंक में खाता भी नहीं होता है और वो तो साहूकार के पास से और लोगों से पैसे लेकर के अपनी बेचारे की गाड़ी चलाते हैं और इसलिए ये कर्ज माफी के नाम पर राजनीति करते थे, देते नहीं थे और छोटे किसान को तो नसीब ही नहीं होता था। लेकिन भाजपा सरकार आज पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में भेज रही है, इससे छोटे से छोटा किसान भी लाभान्वित हो रहा है। अभी तक इसके तहत आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए, कितने, 2.25 लाख करोड़ रुपए, कितने, 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं और वो भी करीब करीब 11 करोड़ किसान इस स्कीम के लाभार्थी हैं। साथियों, भाजपा की सरकार ने किसानों पर महंगे यूरिया, महंगे फर्टिलाइजर का बोझ भी नहीं पड़ने दिया। इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया ताकि किसान को फर्टिलाइजर सस्ता मिले। आप में जरा आंकड़े याद रखना, आज अमेरिका में यूरिया की अगर 50 किलो की बैग है तो कीमत है 3,000 रुपये, ब्राजील में उसी बोरे की कीमत है 3,500 रुपये, चीन में इसकी कीमत है 2100 रुपये, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में कीमत है 700 रुपये, पाकिस्तान में है 800 रुपये, लेकिन भारत के किसानों को वही यूरिया सिर्फ 270 रुपये के भी
कम कीमत में मिल रहा है, क्योंकि भारत सरकार वो बोझ उठा रही है। देखिए, मैं आपको श्री अन्न यानी मिलेट्स के भी बात दोहराऊंगा। अभी मैं मिस्र में था तो वहां मिलेट्स की काफी चर्चा हुई। वहां के लोगों को गेहूं बाहर से मंगाना पड़ता है। मैंने उन्हें भारत के मिलेट्स यानी मोटे अनाज के बारे में बताया। भारत के करीब 2.5 करोड़ से ऐसे किसान हैं जो मिलेट्स की मोटे अनाज की खेती करते हैं। वे कम पानी में विपरीत परिस्थितियों में भी मिलेट्स पैदा करते हैं। मिलेट्स की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो सुपर फूड होता है। दूसरा, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मिलेट्स की एक खूबियां मैंने उन्हें बताई। श्री अन्न अभियान का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान को ताकत देने का ही है। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ता को भी सोचना चाहिए कि श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करें। साथियों, मैंने आपसे काफी समय लिया है और देश भर में देख रहा हूं, टीवी पे लाखों कार्यकर्ता वहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत 9 वर्षों में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि बीते 9 वर्षों में भारत और भारतीयों की कमाई बढ़ी है, समृद्धि में हिस्सेदारी बढ़ी है। आज जब हमारा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है तो उसका लाभ किसानों को भी होता है और रोजगार निर्माण पर भी होता है। आज जब हमारी फैक्ट्रियां, हमारे उद्योग रिकॉर्ड उत्पादन करते हैं, जब रिकॉर्ड विदेशी निवेश आता है तो उसका लाभ भी सबसे अधिक हमारे युवाओं को होता है। ये समय, ये कालखंड भारत के युवा बेटे बेटियों का है। पिछले 9 वर्ष भारत के आत्मविश्वास को लौटाने के थे। अब आजादी का अमृत काल अमृत पीढ़ी के संकल्पों की सिद्धि का है। तो अभी आपने सुना किस प्रकार से नरेंद्र मोदी अपने मिस्र जो यात्रा है उसकी भी चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद से कह रहे हैं किस प्रकार से बगल के देशों में जो यूरिया है वो 700, 800, 900, 600 रुपए में मिल रही है और भारत में कहाँ 200 और 250 में आपको यूरिया मिल रही है। और उन्होंने कितना कुछ कहा, जो किसानों से संबंधित बातें हैं वो समझने योग्य बात है। फिलहाल आपकी क्या राय है किसानों से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष पट्टा।